हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के दादा ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की पंचकुला और सिरसा स्थित प्रॉपर्टी अटैच कर दी है। इस समय ओपी चौटाला जेबीटी मामले में जेल में है। पंचकुला में ईडी ने मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 4 स्थित कोठी नंबर 6 को अटैच कर दिया है। साथ ही कोठी के बाहर चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है। इस पर चंडीगढ़ जोनल ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के डिप्टी डायरेक्टर ने आदेश पर लिखा गया है कि अटैच की गई 846 स्क्वायर मीटर की यह प्रॉपर्टी ओम प्रकाश चौटाला सपुत्र देवीलाल ने खरीदी थी। अब यह प्रॉपर्टी प्रिवेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 8 के तहत ईडी के कब्जे में है। यहाँ अनाधिकृत रूप से घुसने वाले के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। वहीं सिरसा में तेजाखेड़ा निवास स्थित चौटाला फार्म हाउस को भी अटैच कर दिया है। ईडी टीम में करीब 5 अधिकारी मौजूद थे। बुधवार को प्रॉपर्टी अटैच करने की कार्रवाई ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर दीपक कुमार और उनकी टीम के अन्य कर्मचारियों ने की। इस दौरान उनके साथ CRPF और स्थानीय पुलिस के कर्मचारी भी थे। सुबह 11 बजे से शुरू हुई यह कार्रवाई करीब 3 घंटे चली। चौटाला परिवार का कोई भी सदस्य तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर उपस्थित नहीं था। यह फार्म हाउस 198 कनाल 15 मरले का है। उसका भी 50% हिस्सा सील कर दिया गया है। चौटाला परिवार के विभाजन के बाद इस फार्म हाउस पर पैरोल मिलने पर ओपी चौटाला भी आते हैं या फिर अभय सिंह चौटाला अपने परिवार सहित आते हैं। अब देखना यह होगा कि प्रवर्तन निदेशालय इसमें अगले क्या कदम उठाता है। बहरहाल इससे चौटाला परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और दूसरी तरफ राजनीतिक मुद्दे भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।